जल्दी। सब ठीक है? कौन है बे तू? कौन हो तुम? अभी ऋषभ गुजराल जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। प्रार्थना कहीं दिख नहीं रही, कहां गई होगी? हे शिव जी, कहीं एक बेटी के हाथों पिता की जान ना चली जाए। पर मेरे साथ तो बहुत कुछ हो गया है, मुझे तो ये जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। मैं तो शेष नागिन बनना ही नहीं चाहती थी, मैं तो अपने पापा के साथ जिंदगी जीना चाहती थी। बेटा पर बहुत छोटी थी, बचपन से अब तक पलकों पे रखा था मेरे पापा ने मुझे, और कोई नहीं था, बस वही थे और मैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मार डाला उन्हें? प्रार्थना, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने, बेटा मैंने नहीं मारा उन्हें। नहीं, मैं अपने पापा के कातिल को नहीं छोड़ूंगी। आपको भी मैं वही मौत दूंगी जो आपने मेरे पापा को दी है। खोलिए ऋषभ। प्रथा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बॉस, ट्रक आ गया। वो इस देश का खजाना है। लेकिन लेकिन ये एक हीरा इस देश की पूरी प्रॉपर्टी के बराबर है, और अब ये सब मेरा है। बॉस, उस शेष नागिन ने ऋषभ गुजराल पर अटैक कर दिया और वो मर गया। शेष नागिन को लगा कि उसका बाप देशद्रोही है, और वो देशभक्त खुद अपनी बेटी के हाथों मारा गया। आई एम सॉरी टू से मिसेस गुजराल, मिस्टर गुजराल कोमा में चले गए।
वो ठीक तो होंगे ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा इस हालत में अपने परिवार के साथ रहेगा तो अच्छा, क्या हम इसे यहीं रख सकते हैं? और ये हमारी आवाज तो सुन पाएगा ना डॉक्टर? शायद हाँ या शायद ना, लेकिन हाँ आप लोग इन्हें यहाँ रख सकते हैं। मैं हॉस्पिटल की सारी अरेंजमेंट यहाँ करवा दूंगा और 24/7 एक नर्स भी रखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनमोल, अनमोल ऋषभ को इस हाल में नहीं देख पाएगी, कहाँ है वो? बेटा मैंने उसे भेजा एक लड़के से मिलने। कहाँ रह गया है यार, कहाँ फंसा दिया है मुझे? हाय गर्ल्स। हाय अनमोल। हाय बेबी, रोज नहीं मिलेगा तो क्या किसी भी लड़के से मिलेगी? कौन है अनमोल वो? हाँ दिखाना प्लीज, दिखता कैसा है? आई डोंट नो यार, मैंने उसे नहीं देखा है। वो तो क्यूटी पाई चंदा दादी के पास इस लड़के का रिश्ता आया था तो उन्होंने कहा कि इससे मिल ले, सो मैं आ गई उसके पास और मैं आ गई उस पे एहसान करने। तू अपना पिन कैसे छुपा रही है ना? बट वी नो हनी, तू रुद्र को एक दिन जरूर भूल जाएगी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूं। बाय सिया। ओके। एक्सक्यूज मी, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। आई नो, एक्चुअली आप बहुत देर से किसी का वेट कर रही हैं, तो ये मेरी तरफ से। स्टूपिड का वेट तो कर रही हूं। But you know what? Thank you so much. मुझे ये नहीं चाहिए। मैम ये हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है, आप एक बार ट्राई तो करिए। You know what? Amazing girl के लिए amazing taste. Excuse me? Yeah, I'll do one thing for you. जब तक आपका वो so called Mr. Waiting नहीं आ जाता, I will give you the company. And I am dead sure आप मेरी कंपनी में बिल्कुल बोर नहीं होगी। अब actually no, thank you. मैं जिसका वेट कर रही हूँ ना, वो इस होटल के ओनर है। ऋत्विक सर, ये स्टाफ की सैलरी चेक प्लीज साइन कर दीजिए। शॉ। थैंक यू। I'm really sorry. Yeah, it's okay. अब तो आप कम से कम मेरी ये डिश ट्राई कर सकती हैं। ऋत्विक, राइट, आई एम रियली सॉरी। यू डोंट हैव टू बी, प्लीज हैव अ सीट। वैसे तो मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन इस होटल का ओनर भी हूँ। यू नो व्हाट, हम ना आज रात को इस होटल में एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, यू विल कम? हैलोवीन पार्टी। व्हाट, हैलोवीन? या एक्चुअली हमारे इस होटल में आज रात को कुछ इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, और अभी अभी यू नो इंडिया में हैलोवीन पार्टी करना शुरू हुआ है। हैलोवीन पार्टी मतलब भूतिया रात। भूतिया ना? एक्चुअली होता है कि इस दिन ना सब लोग अपने अपने फेवरेट भूतिया कैरेक्टर में ड्रेसिंग अप करते हैं, और इस हैलोवीन पार्टी में भी वैसे ही होने वाला है। सो यू विल कम, राइट? या आई मीन दादी, ओह माय गॉड, क्यूटी पाई, यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट। आपको पता है वो इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, मेरे को मेरा समन स्पेशल मिल गया। थैंक यू सो मच। हम सब कब से फोन कर रहे थे तुझे? हम लोग बातें कर रहे थे इसलिए आपका फोन मिस हो गया। बट बाय द वे, उसने हमें हैलोवीन पार्टी के लिए भी इनवाइट किया। क्या हो गया? नो रिएक्शन? एनीवेज, आपको पता है असली रिएक्शन तो ना डैड देंगे जब उनको पता लगे फाइनली मुझे कोई समवन स्पेशल अच्छा लग गया। पर हाँ, डैड से थोड़ा कम। मैं उन्हें बता के आती हूँ। डैड को क्या हुआ है? ऋषभ कोमा में।
मैं प्लीज आंखें खोलो अपनी, डैड अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? प्लीज उठो, प्लीज अपनी बेटी के लिए उठो। मैं आज एक लड़की से मिली और वो सबसे बहुत अलग है। उसका नाम ऋत्विक है। डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र के जाने के बाद मुझे फिर से कभी ये फील होगा, और आज जब फाइनली वो फील हो रहा है और आप यहाँ पे नहीं हो मेरे साथ, डैड प्लीज मेरी बात सुनो ना, डैड अपनी आंखें खोलो, प्लीज मेरे लिए एक बार आंखें खोलो ना डैड। मॉम, आई नो डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो सब लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी खुशी से ना सबसे ज्यादा खुश डैड होंगी, और रुद्र के जाने के बाद ना सबसे ज्यादा डैड ही परेशान थे मुझे लेके, और मैं जानती हूँ डैड मुझे सुन रहे हैं और वो खुश है, और वो मुझे अपना आशीर्वाद भी देंगे शादी के लिए। हाँ मां, मैं डैड के सामने ऋत्विक से एंगेजमेंट करूंगी, वो भी कल ही। एंगेजमेंट? ऐसे कैसे अनमोल? हम तो उस लड़के को ठीक से जानते भी नहीं। जानने पहचानने की बात है ना, तो उसने हमें आज रात पार्टी में इनवाइट किया है, हेलोवीन पार्टी में। आप चल लो मेरे साथ, उससे मिल लो एक बार, और आप अच्छे तरीके से जानते हो मैं ये सब कुछ डैड के लिए कर रही हूँ। डैड ये सब देखेंगे, जब सुनेंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा मॉम। पर ऋषभ को ऐसे छोड़ के मैंने? ऋषभ की फिक्र मत कर, मैं हूँ। प्रार्थना के इतने सारे मिस्ड कॉल्स? हेलो, हाँ प्रार्थना, कहाँ हो? प्लीज टेरेस पे आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सब ठीक तो है? हाँ। मैं आता हूँ। मेरे पापा के एक कातिल को तो उसके गुनाह की सजा मिल गई, अब दूसरे की बारी। प्रार्थना, रुद्र पता नहीं क्यों तुम्हारी बहुत बहुत फिक्र होने लग गई है। मैं जानती हूँ कि तुम और ऋषभ अंकल किसी चीज पे एक साथ काम कर रहे थे, पर ऋषभ अंकल की ऐसी हालत देख के मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र हो रही है, कहीं तुम्हारे साथ भी? तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। रुद्र पता नहीं कैसे पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। प्यार? प्यार का मतलब जानती है तू? तुझे कभी किसी से प्यार हो सकता है? तुझे कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू एक नागिन है। हाँ, नागिन है तू, और तू सिर्फ डसना जानती है। मुझे मारेगी तू? माँ? हाँ तेरी माँ। ऋषभ सर, सर जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जो मिशन आपने शुरू किया था उसे मैं पूरा करूंगा। देश का खजाना देश में ही रहेगा, आई प्रॉमिस सर।
प्रार्थना तू जो कर रही है वो सही नहीं है। पहले तूने मेरे पति पर वार किया और अब अपने पति पे। नहीं, आज मैं तुझे बताऊंगी कि मैं भी तेरी माँ हूँ। तू जानती है ना ऋषभ तेरे पापा है, और ये जानते हुए भी तूने उन पे वार किया। क्यों किया? कहा था ना मैंने तुझे कि ऋषभ ने कुछ नहीं किया है, फिर भी तूने क्यों? जो तूने ऋषभ के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और ऋषभ को कुछ हो गया ना तो तू नहीं बचेगी। मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, पर हाँ करूंगी जरूर। आप मुझे कभी नहीं रोक पाएंगी। झूठ मत बोल, मैं जानती हूँ तूने ही किया है। ऋषभ तेरे पापा है, पर फिर भी ऋषभ और रुद्र के लिए मैंने तेरी आंखों में नफरत देखी है, आज भी है, हमेशा होगी। रुद्र और ऋषभ जी वो दोनों मेरे पापा के कातिल हैं, और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। देश के गद्दार है वो। वासुकी मंदिर का खजाना लेकर देश से फरार होना चाहते थे ना, मैं उन्हें रोकूंगी। पहले भी बोल चुकी हूँ मैं तुझे, आज भी वही कहूंगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। कर लीजिए आपको जो करना है। ये नागमणि जब शेष नागिन के पेट में दर्द दे, इसका मतलब नागों के महाराजा नागराज तक्षक उसे पुकार रहे हैं। प्रणाम नागराज तक्षक। सांप हो या इंसान, हम सब इसी देश के हैं। करोड़ों सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि हमने इस देश के खजाने की रक्षा की, पर अफसोस वो खजाना देश के दुश्मन लूट के ले गए। आज अगर शेषनाग समाधि में लीन ना होते तो वो यहां हमारा साथ देते। लेकिन अब तुम शेषनागिन हो प्रार्थना, तो इस देश को तुम्हें बचाना है, और तुम दोनों को मिलकर यह काम करना है। प्रथा नागराज तक्षक, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आई, पर मैं देश को बचाने में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। कल मेरी बेटी की सगाई है, और मेरे पति भी कोमा में, और मेरे पति के कोमा में होने की वजह मेरे सामने खड़ी है। इसका तो मैं चेहरा तक नहीं देख सकती। 20 साल इन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा था, अब मुझे इनका चेहरा नहीं देखना। तुम दोनों को आज ही ये काम करना है, क्योंकि आज अंतिम दिन है जब जैंग इस देश से बाहर जा रहा है, और देश के खिलाफ इस लड़ाई को तुम दोनों को मिलकर पूरा करना है। यही काम है, यही फर्ज है आज की शेष नागिन का, और यही फर्ज है बीते कल की शेष नागिन का भी। इसलिए तुम नीलगिरी की पहाड़ी के पीछे से आई थी ना प्रथा, और आज ही के दिन के लिए देश की रक्षा का जिम्मा शेष नागिन के हाथों में सौंपा गया था प्रार्थना। तो जाओ, वक्त आ गया है, जाके देश की रक्षा करो। हमें देश की सीमा पर जाके जैंग को इस देश से बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा। वो इस देश को छोड़कर नहीं जाएगा। सबसे पहले वो खजाने को किसी ऐसे जगह पर छुपाएगा जहां बहुत सारी भीड़ हो, जहां उस खजाने तक और जैंग तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो। वो जानता है कि उसने शेष नागिन पर वार किया है, तो ये भी अच्छे से जानता होगा कि शेष नागिन उसे नहीं छोड़ेगी। शेष नागिन पलटवार करेगी।
मुझे दे दो, मैं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा प्रार्थना, कोई नहीं। ला मैं कर देती हूँ, दे दो। एक्चुअली नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। प्रार्थना मैं जा रहा हूँ, मैं मिलता हूँ तुम्हें, ओके? ये रुद्र इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गया? रुद्र? जी डैड, एक मिनट। मुझे पता है डैड आप क्या कहना चाहते हैं। डोंट वरी, मैं उन दुश्मनों को पकड़ लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, तो मुझे एक कॉल करनी थी। फोन? डैड फोन तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो अरे तो तू मुझ पे तो ट्रस्ट कर सकता है ना, आफ्टर ऑल आई एम योर डैड। ओके ऋषभ ने या डिफेंस के लोगों ने रुद्र को कोई तो इन्फॉर्मेशन भेजी ही होगी। ओह नो, इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रुद्र को कोई मैसेज क्यों नहीं आया? एक भी लीड्स नहीं मिली है मुझे। अरे रुद्र, ये क्या, तुम्हारे पास दूसरा फोन? यस डैड, वैसे तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बट दुनिया का कुछ नहीं पता ना, और मेरे फोन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, इसलिए दो फोन रखना जरूरी है, कहीं आपके हाथ से कोई लेना लेना। चलता हूँ डैड। हेलो। देश की सबसे बड़ी हेलोवीन पार्टी होटल सिल्वर मून लाइट में होगी। हमारे लोग आएंगे। आज हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टर सिंह, मैंने अपने बेटे का फोन चेक करने की कोशिश की, क्या पता उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती। पर उसके पास एक और फोन भी है, अगर आपकी पार्टी से रिलेटेड उसमें इन्फॉर्मेशन हुई तो। इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन शेष नागिन आएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा प्लान बर्बाद करे। हम उन्हें सारा सोना दे देंगे और वो हमें बहुत सारा पैसा दे देंगे, और उसके बाद मैं अपने हीरो और खजाने के साथ यहाँ से उड़ जाऊंगा। मिस्टर रंजीत रायचंद, तुम्हारे बेटे के पास क्या इन्फॉर्मेशन है ये पता करना तुम्हारा काम है। हेलो, हाँ नमन, नमन वो लोग आज होटल सिल्वर मून लाइट में मिलने वाले हैं हैलोवीन पार्टी के लिए। मैं निकल गया हूँ नमन, तू भी पहुंच, ठीक है? ओके बाय। हैलोवीन पार्टी सिल्वर मून लाइट में, ये वही पार्टी है जिसके लिए अनमोल ने मुझे इनवाइट किया था। अब तो इस पार्टी में जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। जैंग देश का खजाना बेच के हीरे लेकर इस देश से भागने वाला है। सुना, सिल्वर मूनलाइट होटल, हैलोवीन पार्टी आज रात। हाय। हाय, हाउ आर यू? गॉर्जियस। थैंक यू। हाउ आर यू? वेरी गुड। वेरी वेरी नाइस पार्टी। थैंक यू। तुमने क्या रूप लिया है? असली रूप नागिन। आप क्या बनी? कियारा। वो कौन है, सेलिब्रिटी है? सेलिब्रिटी तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है, क्योंकि मेरे इस रूप ने बहुत लोगों को डराया है, डरा डरा के उनके मुंह तेरे मेरे कर दिए, आज भी करेंगे। क्या बनी हो? नागिन, नागिनों के नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिन। मैं भी भूत बनी हूँ। मैं भी नागिन बनी हूँ, और तुम्हें पता है मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें क्या करने आता है? ये क्या था? ये रियल है, मेरा मतलब रियल स्पेशल इफेक्ट्स। oh.
प्रार्थना कहाँ गई? नमन, हाँ, आज बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रो, टेंशन मत ले। ऑल द बेस्ट। ओके। ये रुद्र और नमन क्या बात कर रहे थे? जैंग के साथ मिलकर ये खजाना देश के बाहर कैसे लेके जाने वाले हैं? मुझे पता लगाना होगा। प्रार्थना, तुम क्या बनी हो? नागिन? शेष नागिन। शेष नागिन, तुम्हें देख के डर तो लग नहीं रहा, हंसी ज्यादा आ रही है। जिस दिन ही शेष नागिन तुम्हें जान से मारेगी, उस दिन देखूंगी कितनी हंसी आती है। आप क्या बनी है? लेकिन नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? एंड किसने बुलाया आप लोगों को यहाँ पे? हमें यहाँ ऋत्विक ने बुलाया है। ये ऋत्विक है और ये होटल भी ऋत्विक का है और हम लोग कल ही एंगेजमेंट भी कर रहे हैं। हाय। कांग्रेचुलेशंस अनमोल, बेस्ट ऑफ लक। मुझे थोड़ा काम है गाइस, मैं चलता हूँ, ठीक है? वैसे प्रार्थना, तुम बहुत क्यूट लग रही हो नागिन की ड्रेस में। मैं अभी आती हूँ। मॉम, कम, ये है ऋत्विक जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। नमस्ते। एक्चुअली मुझे आप समझ आया है कि अनमोल इतनी प्रिटी कैसे, क्योंकि उसकी मॉम भी इतनी गॉर्जियस है, इसलिए। स्टूपिड। मुझे अनमोल ने बताया उसके डैड के बारे में। सो सैड, बट शी इज राइट, यू नो, हमारा रिश्ता उनकी ब्लेसिंग्स के बिना पूरा नहीं हो सकता। देखो, तुम दोनों अभी अभी तो मिले हो, इतनी जल्दी सगाई। यू नो, कुछ लोगों से पहली बार मिलकर भी मुलाकात परसों पुरानी लगती है। लव एट फर्स्ट साइट। अगर ऐसी बात है तो वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। मैं अपनी बेटी की सगाई धूमधाम से करूंगी। थैंक यू मॉम, आई लव यू। ये तुम क्या कर रही हो? रुद्र का पीछा। रुद्र जैंग को मिलने जा रहा है और वो दोनों मिलके खजाने को लेकर इस देश से भागने वाले हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। हमें रोकना है, पर देश के दुश्मनों को रोकना है। रुद्र दुश्मन नहीं है, जैंग दुश्मन है। जैंग को ढूंढो। जैंग का फोन आया था मुझे। उसने कहा कि वो आज रात को देश छोड़ के जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुराने दोस्त से एक आखिरी मुलाकात कर लूं। और अगर वो यहाँ है, इसका मतलब यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शेष नागिन भी होगी यहाँ पर। देखते हैं इस भूतिया रात में यहाँ क्या क्या होता है। तुम क्या हुआ? मुझे देख के अपनी ओल्डी गोल्डी डेथ याद आ गई ना? ओह बाय द वे, ये नागिन लुक तुम्हें बहुत सूट कर रहे हैं। मन तो कर रहा है कि तुम्हें देख के ही अपनी आंखों से ही शूट आउट कर दूं, पर एक्चुअली वो करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाग लोग से तुम्हारे सारे पावर्स को लेके तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया था, राइट? अब ब्लैक हार्ट वाली हो तो ब्लैक डेथ ही मिलेगी ना, वाइट का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? तुम तो इस पर हंसने से पहले ना एक बार अपने आप पर तो हंस ले। देख तेरी किस्मत, तेरी खुद की बेटी ने तेरे पति को कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। बेचारा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। क्या सजा देगी रे अब तू अपनी बेटी को? उसे जो सजा देनी होगी वो मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन तुम दोनों को तो पक्का जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वेलकम 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 माय डियर फ्रेंड्स, आज की रात मेरे लिए बहुत बड़ी रात, बहुत स्पेशल रात है। आप लोग भी जश्न मनाइए, एंजॉय। तो असुर आ ही गया। असुर और नागिनों की लड़ाई पुरानी है। अगर देश में अमृत मंथन होगा तो मौत असुरों की ही होगी।
मैं कुछ भी करती हूँ आपको मेरे हर एक काम से तकलीफ ही होती है। आप शायद भूल रही हैं, ये जैंग है हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन और हमारे देश के खजाने को लेकर हमारे देश से फरार होने की कोशिश कर रहा है। और एक शेष नागिन का फर्ज होता है कि वो इस देश के खजाने को वापस लेके आए। वो तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर दुनिया के सामने अपने असली रूप में नहीं। प्लीज आप मुझे ऐसे मत सिखाइए जैसे आप मेरी माँ हैं। माँ तो मैं तुम्हारी हूँ ही। देख, जो भी करना है साथ में करना है और संभाल के करना है। हिस्ट्री है या केमिस्ट्री? ऐसा कुछ भी नहीं है। I'll just come. Sure. सुने, कल तुम्हारी सगाई हो रही है, अच्छा लगा सुन के। थैंक यू, बट सॉरी टू से, रुद्र तुम्हारे दिल से ना कभी नहीं निकल पाएगा, चाहे वो होश में हो या बेहोशी में। वैसे तुम्हारी वो पहली कोशिश ना बहुत अच्छी थी। ऐसे लुक क्या दे रही हो? अगर यकीन नहीं होता तो तुम फिर से ट्राई कर सकती हो, बट तुमसे ना हो नहीं पाएगा। I'm really sorry, रुद्र। उस दिन किसी ने मेरी ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया था। It's okay, Anmol, कोई नहीं। No problem. रुद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मैंने कहा ना, it's okay, don't worry, it's all right. मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है, तो फिर एक एक चीज तो बनता है, नहीं? नहीं नहीं अनमोल, मुझे बहुत जरूरी काम है यहाँ पे, so ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा मैं, सॉरी। रुद्र, अगर तुमने मुझसे चीयर्स नहीं किया ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ ही नहीं किया। चले, जस्ट वन ड्रिंक, जस्ट वन। ओके, कम कम नो। संभल के रुद्र। रुद्र, काम हो गया और अब हमें हमारे काम को अंजाम देने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हीरा और अपने हिस्से का खजाना लेकर आज रात मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। बाकी का खजाना और वो सोना आप लोग आपस में बांट लेना। जैंग साहब, आपका हेलीकॉप्टर भी आने वाला है। जैंग सर, वी आर रेडी। ये जैंग का ये दिख क्यों नहीं रहा?
ये हीरे यहाँ, मतलब जैंग इसी तरफ के है। तुझे क्या लगा जैंग मेरे देश का सोना लेके इतनी आसानी से तू भाग जाएगा? हाँ, तेरा खेल खत्म। ला वो हीरा मुझे वापस कर दे। और हाँ, जिस ट्रक में तू सोना भेज रहा था ना, वो ट्रक भी थोड़ी देर में पुलिस के कब्जे में होगा। ला वो हीरा मुझे वापस कर दे। जान तुझसे बहुत नाराज हूँ। तुझे क्या जरूरत है आने की बेटा? पहले वो शेष नागिन, फिर ऋषभ और रुद्र, अब तुम लोग बार बार बीच में क्यों आ जाते हो? हमारे लिए तो ये भी अच्छा हुआ कि खुद शेष नागिन ने ऋषभ गुजराल को हमारे रास्ते से हटा दिया, ये सोचकर कि उसके पिता को रुद्र ने और ऋषभ ने मारा था। लेकिन सच तो ये है कि उसे तो हमारे आदमियों ने मारा था। I'm sorry,